क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 4 से. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. ओपन योर पेज नंबर 65. तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ आई डोंट नो, आई शैल आस्क. हम देखते हैं कि किस तरह हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. लुक एट दीज टू क्वेश्चंस एंड आंसर. आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं. वेयर डज योर मदर बाय राइस? ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि उन्होंने राइस कहाँ से ख़रीदे हैं तो आप उसका आंसर सबसे पहले देंगे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आई डोंट नो, फिर फुल स्टॉप. फिर उसे कंप्लीट फॉर्म में जब आंसर देंगे तो फिर से हम लगाएंगे आई डोंट नो वेयर माई मदर बायस राइस. ओके, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जहाँ पे डज या डू आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन में, तो आपने जो वर्ब लगाना है आंसर में उसको आपने प्रेजेंट में लगाना है. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन है, व्हाट डिड योर अंकल ब्रिंग होम यस्टरडे? यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में डिड का यूज़ हुआ था. ठीक, जब हम आप इसका आंसर बनाएंगे तो जिन क्वेश्चन में डिड का इस्तेमाल हो जाए उनके आंसर में हम पास्ट की फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, हम पास्ट का वर्ब लगाते हैं. जैसे हम इसके आंसर देखते हैं, सेम एज इट इज़ शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया जाएगा आई शैल आस्क हिम, फुल स्टॉप. नेक्स्ट है, आई शैल आस्क माई अंकल व्हाट ही ब्रॉट होम यस्टरडे. हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो ब्रिंग है. ठीक है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो डिड है. और अभी मैंने आपको बताया कि जिन सवालों में डिड का इस्तेमाल हो जाए उसके आंसर में हम पास्ट का वर्ब लगाते हैं. जिस तरह वर्ब का जो पास्ट होगा वो क्या होगा? ब्रॉट. ओके, यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हम या तो आई डोंट नो लगाकर बनाएंगे या आई शैल आस्क लगाकर बनाएंगे. ठीक, फर्स्ट वन आपके पास है, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे 6 ईयर्स अगो? तो इसके आंसर में हम बनाते हैं आई डोंट नो लगाते हुए. सबसे पहले आई डोंट नो के शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे आई डोंट नो. नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट फिर से आई डोंट नो वेयर I got for my birthday 6 years ago. Okay? इसी तरह आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन में आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ था? डिड. तो इसके आंसर में कौन सा वर्ब लगेगा? पास्ट का. और पास्ट का वर्ब क्या है हमारे पास? गॉट. ओके जी, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 65. इस पेज पर फर्दर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए. चलाएं हम देखते हैं. फर्स्ट वन है आपके पास, व्हेन डू मिस्टर एंड मिसेस असलम ईट देयर लंच? अब हम इसको बनाते हैं आस्क में. सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म, आई शैल आस्क देम, फुल स्टॉप. आई शैल आस्क मिस्टर एंड मिसेस असलम व्हेन दे ईट देयर लंच. ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास, व्हाई डिड योर ब्रदर कम होम लेट? ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा कि डिड में दिया गया है, तो डेफिनेटली जब हम इसका वर्ब लगाएंगे तो हम उसको पास्ट में लगाएंगे. जैसे आपके पास है आई डोंट नो, फुल स्टॉप. आई डोंट नो व्हाई माई ब्रदर कम का पास्ट केम होम लेट. नेक्स्ट फिर फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास, व्हाट डिड योर फ्रेंड से टू हिज फादर? क्वेश्चन फिर से आपसे डिड में पूछा गया है. जब हम इसको आस्क में बनाते हैं, आई शैल आस्क, फुल स्टॉप. आई शैल आस्क माई फ्रेंड व्हाट ही सेड टू हिज फ्रेंड. ये सेम एज इट इज़, ये तो मैंने आई शैल आस्क में बनाया, तो जब हम इसे आई डोंट नो में बनाना चाहेंगे तो वो किस तरह बनेगा? आई डोंट नो, फुल स्टॉप. आई डोंट नो व्हाट माई फ्रेंड सेड टू हिज फ्रेंड. ओके, नेक्स्ट आपके पास है,
हाउ डिड यू गेट डेट सम राइट. मैंने इसको बनाया है आई डोंट नो में. तो आई डोंट नो में हम बनाएंगे पहले शॉर्ट फॉर्म आई डोंट नो फुल स्टॉप. आई डोंट नो आई गॉट डेट सम राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. अब आप इन्हें अपने वर्कबुक पे बाकी के जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं खुद बनाएंगे और इन्हें राइट करेंगे. इसी तरह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.